हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी सांभर और डोसे की बहुत ही इजी रेसिपी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने लिया है 1.5 कटोरी के करीब राइस, जिसको हम एक बड़े से बोल में डाल देंगे। 1/2 कटोरी के करीब उड़द दाल। राइस में हम डालेंगे 1 चम्मच मेथी दाना, 1 चम्मच तूर दाल और 1 चम्मच के करीब चना दाल। ये सारी दालें ऐड करने से डोसे का हमारा टेक्सचर बहुत अच्छा आएगा, कलर काफ़ी अच्छा आएगा। अब हम इसे सोक कर देंगे ओवरनाइट के लिए। आप चाहें तो इसे 4 से 5 घंटे के लिए भी सोक कर सकते हैं, बट ओवरनाइट अगर आप सोक करेंगे तो डोसे हमारे ज़्यादा अच्छे बनेंगे। तो अभी देखिए, पूरी रात मैंने इसको सोक कर दिया था। मॉर्निंग में देखिए, सारी चीज़ें हमारी अच्छे से सोक हो चुकी हैं। तो अब हम इसे 2 से 3 बार पानी से धो लेंगे राइस को, और दाल के जो छिलके हैं हम वो सारे निकाल देंगे। तो अभी देखिए, सारी चीज़ें मैंने वॉश कर ली हैं। अब हम इनको ट्रांसफ़र करेंगे एक ग्राइंडिंग जार में। तो सबसे पहले मैं डाल रही हूँ इसमें उड़द दाल, क्योंकि ये ग्राइंड होने में थोड़ा सा टाइम लेती है। तो सबसे पहले इसे डालेंगे और बाद में अब हम इसमें ऐड करेंगे राइस। थोड़ा सा हम इसमें पानी ऐड करेंगे और अब हम इसे ग्राइंड करेंगे। तो देखिए, कुछ इस तरीके का स्मूथ पेस्ट आपको बनाना है। इसे हम ट्रांसफ़र कर लेंगे बोल में। तो अभी देखिए, डोसे का बैटर हमारा हो गया है बनके तैयार। सारा मिक्सचर मैंने ग्राइंड कर लिया है और अब हम इसमें ऐड कर देंगे थोड़ा सा पानी। सॉल्ट हम इसमें ऐड कर देंगे। यहाँ पर 1/3 टेबल स्पून के करीब मैंने सॉल्ट लिया है। सबको कर लेंगे अच्छे से मिक्स और डोसे के बैटर को हम 1/2 घंटे के लिए रख देंगे फर्मेंट होने के लिए। जब तक ये फर्मेंट हो रहा है, तब तक हम तैयारी कर लेते हैं सांभर की। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है घिया, ये हाफ घिया मैंने ली है। आप इसमें कद्दू, बैगन, ड्रम स्टिक्स, ये सारी चीज़ें भी डाल सकते हैं, बट मेरे पास में घिया थी तो मैं इसके साथ ही आज सांभर बनाने वाली हूँ। तो घिया को हम कट कर लेंगे छोटे छोटे पीसेज में। तो अभी घिया कट हो चुकी है और ये मैंने ली है यहाँ पर 1 कटोरी के करीब तूर दाल। तो उसको हम डाल देंगे कुकर में और साथ में हम इसमें ऐड कर देंगे घिया जो हमने चॉप करी थी। इसके साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे 1/3 टेबल स्पून के करीब हल्दी पाउडर और सॉल्ट हम इसमें ऐड कर देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग। पानी हम इसमें ऐड कर देंगे 3 ग्लास के करीब। अब हम लिड को क्लोज करेंगे और सीटी लगाएंगे। इसमें मैंने आमचूर भी डाला है सूखा हुआ, जिससे हमारा जो सांभर है काफ़ी खट्टा बनेगा। तो जब तक दाल पक रही है, तब तक तड़के की भी तैयारी कर लेते हैं। तो मैंने कढ़ाई में डाला है ऑयल, उसमें डाला है मस्टर्ड सीड्स, साथ में मैंने इसमें डाला है 1 मीडियम साइज़ का कटा हुआ प्याज। तो प्याज को हमें करना है गोल्डन ब्राउन। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ करी लीव्स, इनको भी मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पर मैंने लिए हैं 1 टमाटर, जिसको मैंने इस तरीके से चॉप कर लिया है। टमाटर भी हम इसमें ऐड कर लेंगे। सॉल्ट हम इसमें ऐड कर देंगे थोड़ा सा। सॉल्ट हमने पहले दाल में भी ऐड किया है, तो हमें ध्यान से डालना है। और इसके साथ ही मैं इसमें ऐड कर रही हूँ सांभर मसाला। तो यहाँ पर 3 टेबल स्पून के करीब मैंने सांभर मसाला डाला है। थोड़ा सा पानी डाल देंगे ताकि मसाला जले नहीं और अच्छे से कुक हो जाए। थोड़ी सी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ कश्मीरी लाल मिर्च, ताकि सांभर में कलर अच्छा आए। अब इसको भी हम कर लेंगे अच्छे से मिक्स। और दाल भी देखिए कुक हो चुकी है। अब हम दाल ऐड कर देंगे इस तड़के में। हमने जो इसमें सूखी खटाई डाली थी, आप चाहे तो उसको डिस्कार्ड भी कर सकते हैं या फिर सांभर में ही इस तरीके से आप डाल सकते हैं, क्योंकि जैसे जैसे सांभर पकेगा वैसे वैसे उसका टेस्ट काफ़ी खट्टा और काफ़ी अच्छा आ जाएगा। तो अभी सांभर बनके तैयार है, हम इसे निकाल लेंगे एक बोल में। तो भी देखिए, सांभर रेडी हो चुका है और अब हम तैयारी करेंगे डोसे के अंदर फिलिंग, यानी कि आलू की, आलू मसाले की। तो इसके लिए मैंने लिया है ऑयल, साथ में डाल देंगे मस्टर्ड सीड्स और इसके साथ ही डालेंगे 1 प्याज मीडियम साइज़ का कटा हुआ लंबा। और इसके साथ ही मैं इसमें ऐड कर रही हूँ कुछ करी लीव्स, तो इनको भी कर लेंगे अच्छे से मिक्स। और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1/4 टेबल स्पून के करीब हल्दी पाउडर, 1/2 टेबल स्पून के करीब लाल मिर्च पाउडर और 1.5 टेबल स्पून के करीब आमचूर पाउडर और 1/4 टेबल स्पून के करीब धनिया पाउडर। और सॉल्ट हम इसमें ऐड कर देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग। अब सारी चीज़ों को, सारे मसालों को हम कर लेंगे अच्छे से मिक्स। आलू मैंने पहले से ही बॉईल कर लिया था और उनको मैंने मैश भी कर लिया है। तो देखिए, ये बॉईल और मैश किए हुए आलू भी हम इसमें ऐड कर लेंगे। इनको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे मसाले में। तो देखिए, आलू मसाला भी अभी रेडी हो चुका है, हम इसे निकाल लेंगे एक बोल में। और इस तरीके से अगर आप ये डोसे का आलू मसाला बनाएंगे तो काफ़ी डिलीशियस लगेंगे आपको डोसे खाने में। एक बार ये रेसिपी आप ज़रूर से ज़रूर ट्राई करें। तो इसको हम लिड क्लोज कर देंगे, इसको रख देंगे साइड में और अब हम तैयारी करते हैं डोसे की। तो देखिए, इस स्मॉल पोर्शन मैंने लिया है इस बोल में और इस तरीके से राउंड शेप में हमें डोसे को इस तरीके से फैलाते जाना है। डोसा जब भी आप फैलाएं तो जो भी पैन है आपका वो अच्छे से गर्म हो जाना चाहिए। थोड़ा सा ऑयल हम चारों तरफ से अच्छे से स्प्रिंकल कर देंगे
और अभी हम इसे लो मीडियम फ्लेम पर कुक करेंगे। और देखिए मैंने इसको फ्लिप किया है, कितना अच्छा कलर आया है। दोनों तरफ से हम इसे अच्छे से सेक लेंगे। और अब मैं इसमें फिलिंग कर रही हूँ आलू मसाले की, और इसके साथ ही मैंने बारीक प्याज काटे हुए हैं, वो भी हम इसमें डाल देंगे। तो सांभर और डोसा हो गया है बनके तैयार। आपने देखा ये कितनी जल्दी बनके तैयार हो गया है। इसके साथ ही मैंने बनाई थी चने दाल की चटनी, तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से जाके डिटेल रेसिपी आप चेक कर सकते हैं। ये रेसिपी आप जरूर से ज़रूर ट्राई करें, मुझे कॉमेंट में बताएँ कि आपको रेसिपी कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।